अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एनसीपी मोटर्स यूसुफ आगा और आज आप लोगों के लिए एक नई गाड़ी के साथ और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के लिए आया हूं। दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी लाया हूँ और जिस गाड़ी में आप लोगों के लिए मैं आया हूँ, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लुक वाली गाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। अच्छा सर, बहुत सर्फ आए हुए हैं, बहुत मैंने भेजे हुए, लेकिन इस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा और बहुत भरा हुआ लुक है। तो आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ 2001 मॉडल सर्फ लाया हूँ, 3400 cc में इंजन है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन में। तो गाड़ी का आप लोगों को मैं एक मॉडल वेरिएंट बताता हुआ चलो, गाड़ी का मैं एक मॉडल वेरिएंट बताने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा तो दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी मैं लाया हूं आप लोगों का भी मैं एक मॉडल वेरिएंट बताता हुआ चलो, आज गाड़ी जो है जापान की मैन्युफैक्चर है, टोयोटा कंपनी की है सर्फ। अच्छा सर, मॉडल कौन सा है? 2001 मॉडल गोल्डन कलर, 3400 cc इसमें इंजन है, 3400 cc सनरूफ वाली सर्फ है, 2001 मॉडल SSRG। अच्छा SSRG इस वजह से इसमें सनरूफ भी अवेलेबल है, डाउन स्टपनी है, बड़े मूंछ वाला इसमें जो है बड़े बड़े बम्पर है। मिसाल जो फुली लोडेड ऑप्शन जिस गाड़ी सर्फ में आती है वो सब के सब ऑप्शन जो है वो इस गाड़ी में, आज की गाड़ी में अवेलेबल है। तो आज की गाड़ी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन में है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं गाड़ी के हवाले से बताता हुआ चलो, गाड़ी जो है 2001 मॉडल है, 3400 cc इसमें इंजन है, गोल्डन कलर की। अच्छा गाड़ी में कलर हल्का पुल्का टचअप खामखा है, लेकिन टोटल गाड़ी जो है वो कलर नहीं, हल्का पुल्का जो है गाड़ी में टचअप है। कंडीशन जो है वो बहुत ही प्यारा और बेहतरीन कंडीशन है, येलो डैशबोर्ड में है, येलो सीट्स में है। टोटल गाड़ी जो है यूं समझ लें कि टोटल गाड़ी है गोल्डन टाइप है, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर से हो। अच्छा बड़े जबरदस्त इसमें रिम, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है। तो गाड़ी जो है नॉन कट है, नॉन पंच है, रूफ कट इसमें सर्फ में नहीं आती, बहुत ही कम चाहे सर्फ आया हो जिसमें रूफ कट हो, लेकिन ये रूफ कट नहीं है, साबित है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं गाड़ी के बॉडी के हवाले से आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को सबसे पहले मैं गाड़ी का राउंड व्यू दे देता हूँ, जो कि बहुत ही चमकीली और बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन में है। बड़े जबरदस्त इसमें रिम लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं। अच्छा आज की गाड़ी में जो है कलर के हवाले से आप लोगों को मैंने बता दी कि गाड़ी में जो है हल्का फुल्का टचअप है, गाड़ी में जो है हल्का फुल्का टचअप है, लेकिन गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन में है। SSRG डाउन स्टेपनी, अच्छा सनरूफ बिल्कुल ओके है, बड़े ज़बरदस्त इसमें बिल्कुल नए रिम और टायर लगे हुए, बड़े खूबसूरत इसमें रिम और टायर लगे हुए। गाड़ी का कंडीशन आप लोगों को आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है। अच्छा फ्रंट में आप लोगों को मैंने बताया था इसमें जो ये बड़ा बम्पर लगा हुआ है, ये इसमें जो इस जैसे कि इसमें छोटा बम्पर है और इसमें जो ये बड़ा बम्पर है ये SSRG है, इसमें बड़ा बम्पर लगा हुआ है, डाउन स्टेपनी है, सनरूफ है। अच्छा इसकी जो हेडलाइट्स है वो टोटल जीनियन इसमें अपनी जो है ओरिजिनल जीनियन इसमें जो हेडलाइट्स लगे हुए। अब गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन है, ओरिजिनल कंडीशन में, इसके चाहे साइड मिरर हो चाहे इसके मिसाल जो भी कंडीशन की जो है वो टोटली अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो ये बम्पर इसने सलेंसर का जो ये लगवाया गोला लगवाया, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है इसका जो सलेंसर का गोला। अच्छा रूफ आप देख सकते हैं, रूफ में बिल्कुल साफ सुथरा, कोई पेड़ वगैरह नहीं है, सनरूफ भी जो है वो बिल्कुल इसका ओके है, बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में है। खूबसूरत लाइट हाइलेक्स सर्फ SSRG, इसमें SSRX भी आती है लेकिन ये जो है SSRG है। बॉडी आप लोगों ने देख ली, उम्मीद है आप लोगों को बॉडी पसंद भी आई होगी। तो अभी चलती है आप लोगों को मैं गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हुआ चलो, जो कि 2001 मॉडल टोटली येलो कलर के इसका जो इंटीरियर है 2001 मॉडल का ऑटोमेटिक है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत कंडीशन में है। इंटीरियर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारे और खूबसूरत कंडीशन में इसका इंटीरियर है, A to Z अपने जीनियन कंडीशन में। अच्छा इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं अच्छे कंडीशन में, एक यहाँ पे एक ये लाइन है जो क्या ज्यादा धूप की वजह से जो है इस पर ये लाइन आया हुआ है या कोई कटवट इसको लगा हुआ है, मिसाल ये एक लाइन है, बाकी इसका जो है आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड जो बिल्कुल साबित पड़ा हुआ है, दरवाजों का कुशन आप देख सकते हैं वो साबित पड़ा हुआ, हल्के से गंदे हुए हैं लेकिन कंडीशन जो है वो अच्छे कंडीशन में है, बड़े ज़बरदस्त। यहाँ पे ये बेज यूज हुआ है और यहाँ पे ये बेज यूज हुआ है, टोटल जो है इसकी जो डेव कुशन है येलो कलर के, रूफ येलो कलर के, सीट्स येलो कलर की, जो इसके जो बहुत ही प्यारे और मुलायम इसके अपने जीनियन सीट्स है। अच्छा ये आप देख सकते हैं इसमें ये लगी हुई LCD लगी हुई है,
बहुत ही प्यारी और खूबसूरत इसमें एंड्रॉयड LCD लगी हुई, इसकी जो AC कंट्रोल है AC आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक गियर इसका बिल्कुल ओके है, बिल्कुल जो भी ऑप्शन इस गाड़ी में है वो सब के सब इसके ऑप्शन जो है बिल्कुल कारामद। इसके सनरूफ जो है वो बिल्कुल ओके है, सनरूफ भी इसका काम कर रहा है, सनरूफ में भी कोई काम नहीं। बैक सीट भी जो आप देख सकते हैं अच्छे कंडीशन में। अच्छा, इस सीट के पीछे जो है वो तो दूसरे सीट्स नहीं आती, डबल मीटर की गाड़ी है, डबल मीटर की गाड़ी। इसमें सतरंगा जो है व्हाइट कलर में सतरंगा मीटर आती है, लेकिन इसमें जो है गोल्डन कलर में सतरंगा मीटर नहीं है। और ये जो है इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के लिए ये जो है यूज होता है। टोटल विंडो जो है, टोटल विंडोज जो है वो करंट कंट्रोल विंडोज है। बाकी इसके जो कोमक है जो 4x4 आप कह सकते हो, वो 4x2 है, H4 H2 है, वो भी बिल्कुल ओके है। अच्छा, इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया है। अब रही गाड़ी के इंजन, इंजन 3600 cc में बहुत ही बेहतरीन इसमें इंजन है। आप लोगों को मैं गाड़ी का इंजन दिखाता हुआ चलो, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में, चाहे इंजन हो चाहे गियर हो, दोनों का कंडीशन बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है। इंजन आप देख सकते हैं जो इसका, सबसे पहले इंजन रूम आप देख ले, बिल्कुल साफ सुथरा इसका जो इंजन रूम है वो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ है। इंजन भी इसी तरह साफ पड़ी है जैसे इसका इंजन रूम पड़ा हुआ है, बिल्कुल चमकीली है, बिल्कुल चमक रही है इसकी इंजन जो है वो बिल्कुल चमक रही, कोई ऑयल वगैरह नहीं गिर रहा है, बिल्कुल जबरदस्त कंडीशन में है। 3400 cc ये इंजन है ओरिजिनल, इसमें अपनी गैस वाली इसमें बैटरी पड़ी हुई है, सब कुछ इसका जो जीनियन है, इसका जो इंजन है वो बिल्कुल खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छी और खूबसूरत कंडीशन में इसकी इंजन है। 3400 cc इंजन जो है वो थोड़ी सी बड़ी आती है, आप देख सकते हैं 3400 cc इंजन जो है वो थोड़ी सी बड़ी आती है। गाड़ी आप लोगों ने कम्प्लीटली देख ली, उम्मीद है आप लोगों को गाड़ी पसंद भी आएगी। तो अभी आप लोगों को मैं गाड़ी का प्राइस बताता हुआ चलो कि गाड़ी का प्राइस क्या है। कंडीशन आप लोगों ने अपने अंकों से देख लिया कि गाड़ी का कंडीशन किस तरह, बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में। तो आज गाड़ी जो है रूफ कट नहीं है इसमें, ये साबित है रूफ कट नहीं, और बहुत ही प्यारे और अच्छे कंडीशन में आप लोगों ने गाड़ी की एक एक चीज आप लोगों को मैंने दिखा दी, और उम्मीद आप लोगों को गाड़ी पसंद भी आएगी। तो अभी आप लोगों को मैं गाड़ी का प्राइस बताता हुआ चलो, आज गाड़ी जो है 3400 cc की जो ये गाड़ी है जो कि अच्छी खूबसूरत कंडीशन में भी है, ये आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए में, जो कि नॉन कस्टम पेड है दोस्तों, नॉन कस्टम पेड है। आप लोगों को ये गाड़ी मिलेगी 15 लाख रुपए में, जो कि क्वेटा में मेरे पास खड़ी है। तो जिस भी बाइक को ये गाड़ी चाहिए तो वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, मेरा नंबर उसको कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा होगा, वो कॉन्टेक्ट कर ले। तो A to Z में आप लोगों को गाड़ी के हवाले से भी आप लोगों को बता दूंगा, और साथ ही साथ गाड़ी की डिलीवरी और पेमेंट का प्रोसीजर भी आप लोगों को बता दूंगा। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी प्रोसीजर अवेलेबल है, 15 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी मिलेगी क्वेटा में, जो कि मेरे शोरूम में खड़ी है। तो जिस भी बाइक को चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में ये गाड़ी जो है उसके लिए डिलीवर हो जाएगी। पेमेंट का प्रोसीजर भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा, और साथ ही साथ उम्मीद है आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, दोस्तों के साथ भी शेयर किया होगा, और लाइक और कमेंट भी जरूर किया होगा। तो अपने भाई को इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।